बिहार से जो एक हवा उठी है वह जरूर दिल्ली की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी और यह जनहित में यह होगा। तेजस्वी जी जब बोलते हैं विधानसभा में तो नीतीश जी भी हो चाहे कोई भी नेता हो सब लोग अवाक हो जाता है। तेजस्वी जी यंग हैं। तेजस्वी जी ने प्रधानमंत्री अभी आए थे तो तेजस्वी जी जब बोलना चालू किए थे तो बहुत बार लड़खड़ा भी गए थे। जितने ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं पूरा हिंदुस्तान में सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, सबका वो पारिवारिक पार्टियां हैं। मेरे समझ से ये लोग कभी एकत्रित एक जगह एक अम्ब्रेला के अंदर आ ही नहीं सकते। समाजवादी सब अलग अलग होते हैं लेकिन समय के साथ सब एक हो जाते हैं। 2013 में भाजपा ने ऐसा कुछ काम किया था जो नीतीश कुमार उससे अलग हुए थे, लेकिन आज के बाद नीतीश कुमार भाजपा में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन भाजपा जो है बड़का झूठा पार्टी है। इस बार तो बदलाव होगा, दिल्ली में ही बदलाव होगा और होना भी चाहिए। काट की कुर्सी की कोई वैल्यू नहीं थी। आज नीतीश जी बैठते हैं कल तेजस्वी जी बैठेंगे। बिहार वासियों की सोच है कि बिहार से भी कभी प्रधानमंत्री बने, जो कि नीतीश कुमार जी पूरा सक्षम है। जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय लालू परिवार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी अभी जो राजनीतिक में जो हो रहा है उठा का जो हो रहा है, जो माहौल बन रहा है, हर कोई एक दूसरे पर बयानबाजी कसते हुए नजर आ रहे हैं। जनता को ये समझ नहीं आ रही है कि आखिर हो क्या रहा है। कई जनता तो अभी ये भी कह रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री और लालू यादव जो दिल्ली पहुंचे और जनता के सामने ये भी दिखाया जा रहा है कि उनके ये सोनिया गांधी से कुछ बात बनी नहीं जो बात बनाने के लिए गए थे और उनका मुंह लटक गया, और इस तरह से जनता कुछ कह रही है। लेकिन फिर भी मैं जनता के पास आई हूँ और इन्हीं लोगों से थोड़ा सा जान लेती हूँ कि अभी क्या लग रहा है। अभी नीतीश कुमार और लालू यादव जो एक साथ मिलकर वो लोग सोच रहे हैं कि जितने भी विपक्षी पार्टी हैं उनको हम एक साथ कर लें और फिर एक अलग ही मतलब बीजेपी को उखाड़ फेंकें, दिल्ली उसके लिए वो लोग पहुंचे हैं, क्या लग रहा है इसमें? देखिए, मेरी जो अपनी सोच है, व्यक्तिगत सोच, जितने ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं पूरा हिंदुस्तान में सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, सबका वो पारिवारिक पार्टियां हैं। मेरे समझ से ये लोग कभी एकत्रित एक जगह एक अम्ब्रेला के अंदर आ ही नहीं सकते, नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। तो यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो तो मिल गए, एक दो को छोड़ के सारे लोग तो मिल गए। कहने गले के लिए मिल गए हैं। अच्छा। समझ गए ना, लेकिन होगा सो आगे आगे देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, नहीं होगा, हमारे समझ से होने वाला नहीं। चलिए, और भी जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है? बिहार से जो एक हवा उठी है वह जरूर दिल्ली की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। अच्छा। और यह जनहित में यह होगा। और जो हमारे राष्ट्रीय सुप्रीमो लालू यादव जो ये अगुवाई कर रहे हैं वह बहुत हद तक सक्सेस होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। यानी कि आपको लग रहा है कि जो ये दोनों लालू यादव जी और नीतीश जी वहाँ पे गए हुए हैं और जितने भी पार्टीज जो है विपक्ष के पार्टी है सबको मिला लेंगे? समाजवादी सब अलग अलग होते हैं लेकिन समय के साथ सब एक हो जाते हैं। वही समाजवादी को एक करने के लिए ये दोनों निकले हैं और जरूर आपको दिखाई देगा कि सब एक मंच पर आएंगे। आपको नहीं लग रहा है कि फिर कुर्सी के लिए फिर लड़ाई होगी, प्रधानमंत्री हम कि तुम? कुर्सी की कोई लड़ाई नहीं होगी, वो सब तय हो जाएगा बैठ करके। लेकिन अभी सबको इकट्ठा होना है, एक मंच पाना है, इसके लिए पहल हुई है और बिहार जो एक संदेश दिया है वह संदेश पूरे देश के कोने कोने में गया है और एक आशा भरी निगाह से देश के लोग देख रहा है कि इतनी महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी है, यह सब का जवाब 2024 में जनता जरूर दे। हाँ, एक बिहारी सौ पे भारी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, राजनीति में बदलाव आएगा? बदलाव तो आना चाहिए। ठीक है, हमको पहले तो महंगाई में पहले यहाँ पहले सुधार होना चाहिए। जो अभी जो बड़े बड़े कॉलेज में स्टूडेंट का जो एडमिशन हो जा रहा है, एडमिशन पर वहाँ ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है, फिर बाद में पता चल रहा है कि आपका एडमिशन नहीं हो चुका है। आपका सरकारी खिला रहे हैं तभी ना।
तो मेरा कहना है कुछ लड़का लोग के कम से कम प्रूफ तो दिया जाए, कम से कम जो लड़का इधर से उधर भटक रहा है, दौड़ रहा है, कम से कम उसका तो डेट फिक्स किया जाए। नहीं, आज नहीं होगा, 10 दिन के बाद होगा या 15 दिन के बाद होगा। मैं आपका ये समझ रही हूँ, मैं राजनीतिक की बात कर रही हूँ कि जिसमें तरह से यहाँ का सत्ता बदला, अब सभी लोग बोल रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे जितने भी पक्षी हैं सब आएंगे। कल सोनिया गांधी से भी मिलने पहुँच गए, लालू यादव और नीतीश जी दोनों पहुँच गए, अब वहीं पर कार्यकारिणी की बैठक भी हो रही है, सब लोग फिर RJD वाले वहाँ पहुँच रहे हैं। नहीं, इस बार तो बदलाव होगा, दिल्ली में भी बदलाव होगा, होना भी चाहिए। ठीक है, इस बार नीतीश कुमार जी को बदलाव के रूप में निकले हैं, अब बदलाव होना भी चाहिए। मोदी का जो हवा चल रहा था, नहीं नहीं, वो सब हवाबाजी है, हवाबाजी ये सब बयान नहीं चल पाएगा। ठीक है, इस बार बदलाव होएगा। ठीक है, हाँ जरूर होगा, होना भी चाहिए बदलाव। आपको क्या लग रहा है, क्या बदलाव होगा? जो सही कह रहे हैं एक बिहारी 100 पे भारी, सच में दोनों बिहारी पहुँच के सब जगह बदलाव कर देंगे? देखिए, जैसे आज महंगाई के खिलाफ माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी जो संकल्प लिए हैं कि हमारे इस बिहार को जो इतनी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा अशिक्षा, रोड, स्वास्थ्य, परिवहन मंत्रालय जो गबरा गया है, वो सब भाजपा का ही देन है। अगर ये भाजपा ऐसा काम नहीं करती तो नीतीश जी भाजपा से अलग नहीं होते। 2013 में भी भाजपा ने ऐसा कुछ काम किया था जो नीतीश कुमार उससे अलग हुए थे, लेकिन आज के बाद नीतीश कुमार भाजपा में कभी नहीं जाएंगे। इसलिए कि भाजपा जो है बड़का झूठा पार्टी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए भाइयों और बहनों, जब हमारी सरकार आएगी तो मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, रसोई गैस सस्ता हो जाएगी, तेल सस्ता हो जाएगा, परिवहन सस्ता हो जाएगा, यात्रा सस्ता हो जाएगी। लेकिन देखिए, तेल पर GST, करुआ तेल पर GST, पढ़ाई पर GST, अब राजनीतिक पर भी GST लग रहा है। कर बिहार के विकास के लिए इन्हें सुपर फास्ट ट्रेन का काम करेगी दौराने का। क्या गारंटी है, जिस तरह से अभी कहा जाता है कि नीतीश कुमार पलट जाते हैं इधर से उधर, क्या गारंटी है कि फिर वो ना पलटे? देखिए, कहने वाले लोग तो बहुत सब कुछ कहते हैं, सब कहते हैं कि कुर्सी प्रेमी, अब प्रधानमंत्री का कुर्सी नहीं मिलेगा। कुर्सी प्रेमी रहता है, काठ का कुर्सी उसका कोई वैल्यू है? कभी हम कभी आप, काठ की कुर्सी पद है लेकिन काठ की कुर्सी की कोई वैल्यू नहीं है। आज नीतीश जी बैठते हैं, कल तेजस्वी जी बैठेंगे, ये कोई बड़ी बात है? प्रधानमंत्री का कुर्सी फिर नहीं मिलेगा तो फिर क्या? नहीं तो अबकिर होना है, हमारे ये बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं वो अबकिर लोकसभा जाने का काम करेंगे, और बिहार नहीं पूरा देश उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोच रहा है। और बिहार के हर नौजवान जो देश के विकास के लिए काम करता है, योद्धा जिसे फाइटर बोलते हैं, अबकिर बार नीतीश कुमार हमारे बिहार का सबसे विकास कुल पुरुष नीतीश कुमार जी हैं, और हम लोग उनके साथ हैं। जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय लालू परिवार, जय हिंद, जय भारत। चलिए, जो और आम जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप लोग मुझे ये बताइए कि लालू नीतीश लोग कहते थे कि जंगल राज आ गया ये लालू जी के, ये में अब दोनों मिल गए हैं, दोनों मिल के अब कह रहे हैं कि हम परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन तो निजी जी शुरू से कर रहे हैं, अच्छा। लालू जी भी किए हैं। तो अब क्या लग रहा है, अब दिल्ली पहुंच जाएंगे? दिल्ली तो पहुंचे हुए हैं, लेकिन दिल्ली का कुर्सी अब नीतीश जी के, हाँ नीतीश जी के फेवर में होगा। पूरा नौजवान हर पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, काम मतलब अच्छा किया? हाँ, अच्छा किए हैं, ऐसे जना रहे हैं, जना रहे रोड, स्कूल, शिक्षा। लेकिन बीजेपी तो कहती है कुछ काम ही नहीं हुआ। ना ना, हुआ है, काम तो बहुत हुआ है। हुआ जी जी, यानी कि हाँ हाँ, प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे जी जी। हाँ, जंगल राज नहीं ना आएगा? ना ना, जंगल राज कभी नहीं आया है। ठीक है, ये चलिए, कितने लोग उत्साहित हैं जो बोलने के लिए चले। मुझे क्या है, आपका नाम क्या है? मनोज सिंह। मनोज जी, मुझे ये बताइए कि अभी फिर से लालू और नीतीश, जिनकी दोस्ती पहले भी मानी जाती थी लेकिन बीच में टूट गई, अब फिर से दोनों एक साथ हुए हैं, और एक साथ होने के साथ साथ यहाँ के तो क्षेत्रीय पार्टी मिले ही, अब ये लोग चले हैं कि जितने भी विपक्ष पार्टी है सबको मिलाया जाए, अब क्या कहते हैं? ऐसा नहीं कि मिलने के बाद फिर जो जंगल राज हो रहा है, ऐसा नहीं कि मंगल राज? नहीं, मंगल राज है ये, विपक्ष के लोग बोलते हैं, और हम लोग बिहारवासी हैं। हम लोग की पूरे बिहारवासियों की सोच है कि बिहार से भी कभी प्रधानमंत्री बने, जो कि नीतीश कुमार जी पूरा सक्षम हैं, और एक बार बनेंगे
तो देश में बदलाव दिखेगा, बिहार में बदलाव दिखा है और देश में दिखेगा। रहा बात विपक्षी पार्टी एक होने की, तो प्रयास में लगे हैं उन लोग, लालू जी और नीतीश जी बहुत अनुभवी नेता हैं। हम लोग की सोच है कि सारे लोग एक हो जाएं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा छोड़कर। कांग्रेस से बात बन गई उन लोगों की, कल तो गए थे। देखिए कांग्रेस की भी अपनी राजनीति है, केंद्र की केंद्रीय पार्टी है, तो उसका भी सोच है। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तो सब लोगों का है अपना अपना कुछ स्वार्थ रहता है। प्रधानमंत्री राहुल जी बने, नीतीश जी बने, चाहे मायावती जी बने, कोई बने, लेकिन बदलाव होना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले को तो ये भी लगता है कि जैसे आप ही लोग कहते थे कि जंगल राज लालू यादव के, पहला मुद्दा है विपक्ष का कि बदलाव हो। अब बिहार का नागरिक होने के नाते हम लोग की सोच है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बने। मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बने, यंग है, हम लोग भी यंग है, मिलकर काम करेंगे और काम करेंगे। यस, पूरा उनको सपोर्ट है और बिहार के सब नागरिकों से हम लोग का अनुरोध है कि किसी के बहकावे में नहीं आवे और शांति भाईचारा के साथ मिलकर काम करें। अभी पर्व त्योहार का दिन है, सब बिहारवासियों और देशवासियों की शुभकामना दुर्गा पूजा की। हम लोग चाहेंगे कि सद्भाव से हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलके, जैसे पहले हम लोग गाँव में सुनते थे कि एक जगह दुर्गा पूजा में हिंदू भी मुस्लिम भी सब लोग दर्शन करता है, यहाँ भी करता है, उसी तरह से किया जाए और तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत किया जाए। विजन है उनके पास, ये नहीं है कि तेजस्वी जी के हम फैन हैं चाहे ये है। तेजस्वी जी जब बोलते हैं विधानसभा में, तो नीतीश जी भी हो चाहे कोई भी नेता हो, सब लोग अवाक हो जाता है। तेजस्वी जी यंग हैं। तेजस्वी जी ने प्रधानमंत्री अभी आए थे तो तेजस्वी जी जब बोलना चालू किए थे तो बहुत बार लड़खड़ा भी गए थे। देखिए कब किस, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, मान लीजिए कि मेरे घर में कुछ दुर्घटना घटा हो, उनके पिताजी का तबीयत खराब था, वहाँ से मिल के वो दिल्ली से दो दिन पहले आए थे, तो कुछ आदमी का रहता है कब किस, ऐसा थोड़े है कि तेजस्वी से भाषण नहीं दिए, लड़खड़ा गए तो लड़खड़ा गए। मोदी जी भी बोले हैं क्या बोलना है, बेटी पढ़ाइए और क्या होता है। बड़ा नेता है उनका मैं सम्मान करता हूँ, प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन ही ऐसा पूछती हैं कि जवाब में कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता है, जो याद रहता है वही बोला जाता है। हम प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं बोलना चाह रहे थे, उसमें क्या किया जाए। लेकिन तेजस्वी जी एक बार मुख्यमंत्री बनाइए, हमें उम्मीद है और सब भाइयों को उम्मीद है कि 20 साल 30 साल कोई नहीं हिलाएगा, इसलिए कि काम ही इतना करेंगे ना कि किसी के पास विजन ही नहीं है। भाजपा के लोग के मंत्री ठीक मतलब, है आपने कह रहे हैं कि काम ही करेंगे कि किसी के पास ये नहीं रहेगा, लेकिन नहीं जैसा कि कहा जाता है कि पहले लालू यादव की सरकार में जंगल राज थी, अब महाजंगल हो गया। देखिए तो फिर से वो राज आएगा। बिहार भारत का ही अंग है, भारत से अलग नहीं है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जो जिम्मेवारी दी गई है वो पूरे भारत के लिए दी गई है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं तो गृह मंत्री हैं उनकी जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी सबकी है, जिम्मेवारी मेरी भी है। और राजनीति के लिए जो बिहार को बदनाम करता है, एक महीना में क्या ऐसा जंगल राज हो गया कि लोग नहीं, आप भी तो यहाँ रहती हैं, वो भी भाई जी रहते हैं, सब लोग रहते हैं, ऐसा कुछ हमको नहीं दिखाई दे रहा है ना कि एक महीना पहले यहाँ पर ऐसा उबड़ खाबड़ हो गया चाहे कुछ ऐसा हो गया। राजनीति के लिए बिहार को बदनाम मत करिए, मेरी यही आग्रह है बीजेपी या चाहे जो विपक्ष में अभी हैं उन लोगों से आग्रह है कि जिस तरह से बिहार को ये लोग मिल के बदनाम कर रहे हैं, भविष्य इनका अंधकारमय होगा और जनता का भी जो भी उद्योग धंधा आने वाला है वो लोग दूर से ही टाटा बाय बाय कर देंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से पब्लिक ने यहाँ पर कहा, उनका इस बार साफ है विजन, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव जो कि अभी यंग हैं, यंग युवा हैं और जाहिर सी बात है काम अच्छा कर रहे हैं, और एक चीज़ और जो उन लोगों में विश्वास है कि इस बार 2024 के चुनाव बीजेपी को फाइनली लोग उखाड़ फेंकेंगे और जितने भी विपक्ष पार्टी हैं वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। और बिहारियों की अगर बात करें, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि इन लोगों का मानना है कि इस बार प्रधानमंत्री के चेहरे पे
तो नीतीश कुमार ही देखेंगे प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे। चलिए अभी और भी कई मुद्दे हैं जिन पे हम पब्लिक से ओपिनियन लेंगे, उनसे सवाल करेंगे, क्या उनकी राय है वो भी हम जानेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।